नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्रोशिया से ये हनीकॉम डिजाइन बनाने के लिए बताऊंगी। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट पे दीजिए, ये बहुत खूबसूरत लगेगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास दी हुई घंटी को दबा दीजिए। इससे आपको मेरे सारे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचते जाएंगे और हम जो ही आपको बढ़िया से बढ़िया डिजाइन बना करके आपको जब बताएंगे तो वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाने के लिए देखिए, यहाँ पर हम एक छोटा सा फंदा बना लेंगे, इस तरह से घुमा के इस पे एक फंदा बना लेंगे और इसको टाइट कर देंगे। अब यहाँ पर हम जितना बड़ा हमको स्वेटर या फ्रॉक जो भी बनाना हो उतना हम चेन बना लेंगे। यहाँ पर जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा चेन बनाना है हमको। तो यहाँ पर हम छोटा सा नमूना बना करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा चेन बना के आपको ये डिजाइन बता रहे हैं। तो इस तरह से तो देखिए, यहाँ पर हम इसको चेन पे इस तरह से डालेंगे और इससे हम ऐसे निकाल लेंगे। देखिए इस तरह, फिर दूसरा चेन पे इस तरह से डालेंगे और ऐसे निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए, जितना बड़ा चेन रहेगा सब में आपको इस तरह से डालना है, ऐसे चेन निकालना है, ऐसे निकाल देना है। फिर देखिए, यहाँ पर इस तरह से चेन बन जाएगा, क्रोशिया में इस तरह से निकाल लेना है, फिर इसको डालना है। देखिए ऐसे चेन बन जाएगा और इसको ऐसे निकाल लेना है। इस तरह से जितना बड़ा चेन होगा आपका, जितना बड़ा आपको बनाना हो स्वेटर, तो उतना बड़ा आपको चेन बनाना है और सब में आपको इस तरह से निकालते जाना है। देखिए लास्ट में इस पे भी हम निकाल लेते हैं। तो देखिए इस तरह से बन जाएगा। अब इसको सबको जो है इस तरह से एक एक दो दो करके पास करते जाना है। ये दो निकल गया, फिर हम ये दो को निकाल लेंगे, फिर इस दो को निकाल लेंगे। इस तरह से हम पूरे में निकालते जाएंगे। देखिए इस तरह से पूरे में निकालते जाएंगे। तो ये हमारा इस तरह का बन जाएगा। और अब देखिए, यहाँ पर से जो स्टार्ट करेंगे हम कैसे करेंगे, इसको धागा को देखिए, पहले हम एक जो है इस तरह से पहले हम बना लेते हैं और उसके बाद धागा को इस तरह से लाएंगे और लाने के बाद ये दो फंदा को हम इस तरह से लेंगे। अगर आप अगर शुरू में नहीं लेना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप इसको देखिए, यहाँ पर अगर आप शुरू में नहीं लेना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं इसको, तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहीं पर धागा को लपेटना है और ये दो फंदा को इस तरह से निकालना है, इस तरह आगे से, और इसको इस तरह से लेके इसको निकाल देना है, इस तरह। देखिए फिर धागा को इस तरह से लपेटना है और दो को ऐसे, दो ऐसे निकालना है दोनों को, और इस तरह से धागा को निकाल करके ऐसे बना दीजिए, इस तरह से। फिर धागा को आगे से ऐसे लपेटिए और ये दोनों को इस तरह से लीजिए ऐसे, और इसको ऐसे करके निकाल लीजिए। देखिए इस तरह से जितना भी है सबको आपको इसी तरह से निकालते जाना है। देखिए इस तरह से, तो यहाँ इस तरह बन गया। अब हम यहाँ पर एक एक करके निकालते जाएंगे, दो का एक कर देंगे, फिर दो का एक कर देंगे, फिर दो का एक कर देंगे। देखिए इस तरह से दो का एक कर देंगे, फिर दो का एक कर देंगे, फिर यहाँ दो का एक करेंगे, फिर यहाँ दो का एक करेंगे, फिर यहाँ दो का एक करेंगे, फिर यहाँ दो का एक कर देंगे। इस तरह से हमारा बन जाएगा।
अब देखिए इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले एक को, पहले एक जो धागा है इसको और इसको, इस दोनों पे अब हमको बनाना है। ये यहाँ पर इस दोनों पे बनेगा इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से लेंगे और यहाँ जो धागा यहाँ पर है इसको हम लेंगे और इसको, इस दोनों को लेकर के यहाँ पर एक बन जाएगा इस तरह। फिर यहाँ धागा लेंगे और यहाँ इस दोनों से लेकर के इसको इस तरह से ऐसे निकाल लेंगे। फिर देखिए ऐसे लेंगे और इस दोनों को यहाँ से लेंगे और यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे, देखिए इस तरह से। फिर इसको आगे से ऐसे लेंगे और एक और इसका एक, ये दोनों को लेंगे और इसको इस तरह से निकाल लेंगे। फिर हम यहाँ पर एक फंदा पे इस तरह से इसको निकाल लेंगे, यहाँ पर ऐसे बना लेंगे। तो इस तरह से ये जो है हमारा दोनों ओर से इस तरह से बनते जाएगा। अब हम इसको सबको निकालते जाएंगे, दो का एक करते जाएंगे। देखिए इस तरह से दो का एक हम पूरे में करते जाएंगे। बस इसी को हम रिपीट करते जाएंगे और उसके बाद हमारा ये तैयार हो जाएगा डिजाइन। देखिए इस तरह से बन जाएगा। फिर हम इसको, इस दोनों को एक करेंगे तो हम यहाँ पर एक इसको एक पहले निकाल लेंगे और उसके बाद इसको और इसको अब हमको करना है एक। तो यहाँ आगे धागा लेंगे, फिर यहाँ से एक फंदा इसका लेंगे, एक फंदा इसका लेंगे और इसको हम यहाँ से इस तरह से निकालेंगे, देखिए इस तरह। फिर यहाँ पर लेंगे, फिर इसका एक फंदा और इसका एक फंदा यहाँ से और इसको हम इस तरह से निकालेंगे। तो इस तरह से हमारा ये बनते जाएगा डिजाइन। तो इस तरह से हमारा ये इस तरह का डिजाइन निकल कर के बनते जाएगा। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मेरा ये डिजाइन आपको कैसा लगा तो वो आप कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करेंगे और ढेर सारा शेयर करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।